हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ इसलिए कि हमारा जो एक यूट्यूब चैनल है, एक्चुअली हमें नहीं पता था कि हमारा कोई यूट्यूब चैनल भी है, पर एक यूट्यूब चैनल हमारा है, उसके 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। बड़ी खुशी हुई जी इस बात पे, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैंने कहा कि भाई मैं छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ। और अब देखिए, हमारी उम्र 50 के ऊपर तो हो ही गई, ठीक है जी। तो बड़े हमें लोग मिले और उनकी बातें, तो क्या उनकी बातें करने का तरीका इतना पसंद आया मुझे, इतना पसंद आया कि हमारे जो मन पे उनकी एक अमिट छाप छूट गई। जब हम लोग बच्चे होते थे शोक विहार में, नॉर्थ दिल्ली, नाम तो सुना होगा आपने, दीप सिनेमा हॉल होता था वहाँ पे। तो हमारा एक दोस्त था, बड़े सारे दोस्त थे जी, एक डल्लू था, कोई जत्ती था, कोई बल्ली था, कोई टल्लू था, कोई कुछ था। तो डल्लू जो था वो अमिताभ बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। तो वो बेटे बेटे बड़ा बोलता था, बेटे अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है कभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में? बेटे तुम लोगों ने तो क्या किया होगा, बेटे अमिताभ बच्चन का वो स्टंट देखा था बेटे, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से आता है और जिसमें वो टोमी गन लेके फिर सारे विलियन को मार देता है बेटे। तो वो बेटे बेटे इतना करता था, और साथ में वो बाई गॉड को बाई गोट बोलता था। बाई गोट तुमने वो देखा है कभी? बाई गोट कभी वहाँ गए हो? बाई गोट तुमने वो कभी किया है? बाई गोट आइसक्रीम खाई है कभी? बाई गोट चॉकलेट खाई है अमूल की? तो वो जो भी, मतलब इवन अगर मॉडर्न ब्रेड भी खाता था, मॉडर्न की ब्रेड, तो भी बोलता था कि बेटे कभी मॉडर्न ब्रेड खाई है कभी? कभी ऐसा किया है? तो डल्लू के जो बात करने का तरीका था, ये बाई गोड और ये सब, ये बड़ा मेरे पे बड़ा इसका असर हुआ, मेरे मन पे इसकी बड़ी गहरी छाप लगी। और मैं अभी तक, आप कह सकते हैं कि मैं भी कुछ कुछ ऐसे ही बोलने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद जब बड़े हुए तो स्कूल में, कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, कॉलेजेस में हमें भी दाखिला मिल गया भगवान की दया से। हालांकि हम, मुझे लगता नहीं कि हमने कभी ऐसी कोई कोशिश की थी, लेकिन मिल गया दाखिला। चलो, तो हम सोचते थे कि भी हमारे जो टीचर्स हैं वो बड़े रिफाइंड और पॉलिश्ड होंगे और हमें बड़ा उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारे जो टीचर क्लास में आए तो उन्होंने बात करनी शुरू की, कुछ लैब एक्सपेरिमेंट था। तो वो कह रहे थे कि आर यू टेकिंग दिस प्रिकॉशन, आर यू टेकिंग दिस प्रिकॉशन? एंड कोई बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में, अपना मस्ती वस्ती करने लग जाते हैं। तो कह रहे थे कि भाई अगर इफ़ यू डोंट बिहेव देन यू कैन बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास आल्सो आल्सो। तो फिर ये लगा कि भाई ये तो, मुझे लगता है कि इनकी बात करने का तरीका ऐसे ही होगा। तो वो ऐसे ही निकले, मतलब पुली, मॉन्की, क्लास, प्रिकॉशन, क्लास से बाहर, कनाडा, अमेरिका, ऐसी बातें, मतलब हमारे पंजाबी लोग बड़े प्यार से ऐसी बातें करते हैं। फिर उसके बाद जब भी आप जाते थे और किसी से मिलते थे, रिश्तेदार से, और कोई रिश्तेदार बहुत आपसे देख के खुश होता था, रेयरली ऐसा होता था कि हमें देख के कोई खुश हो, लेकिन अगर वो खुश होता था तो फिर वो एकदम, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एफ्यूजिव, एकदम वो मतलब बह जाता था खुशी में। हाँ जी, बिल्कुल जी, आओ जी, ओहो जी, आहा जी, बैठो जी, चाय शा पियो जी, खाना शाना खाओ जी, मठियाई चटियाई खाओ जी, आहा जी, ओहो जी। तो जी 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 करते करते चलते रहता था, मतलब वो जी की पूरी एक लहर चल पड़ती थी। और हमारे घर में भी एक आते थे जो हमारी माता जी के शायद कजिन थे, तो वो भी, उनसे भी बात होती थी तो वो भी यही कहते थे कि कुछ कप वप ले आते थे कहीं से, पता नहीं कहाँ से लाते थे, तो वो कहते थे कि एवरीबडी वॉज आफ्टर इट बट आई गॉट इट। तो आई गॉट इट इतना एम्फेसाइज करके बोलते थे कि कप, पता नहीं वो वर्ल्ड कप कहीं से जीत के ले आए हैं, मतलब कपिल पाजी ने ऐसे खुशी से वर्ल्ड कप नहीं पकड़ा होगा जैसे वो, उन्होंने वो अपने कप पकड़ते थे। एवरीबडी वॉज आफ्टर इट बट आई गॉट इट। तो वैसे हमें इम्प्रेस करते थे, हम तो इम्प्रेस हो भी जाते थे, हमारी क्या बात है, हम तो किसी से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद जब मैं जब एडवर्टाइजिंग में गया, तो फिर मैंने कहा कि भाई यहाँ तो लोगों से जो बात करने का तरीका है, जो तौर तरीका है, वो हमें सीखना पड़ेगा,
हम तो अशोक विहार में पैदा हुए, नॉर्थ दिल्ली के किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़े। चलो कॉलेज हमें अच्छा मिल गया, पर जो अंदर का आपका देसीपना है वो तो नहीं गया ना। तो हमें भी तो अपने आप को पॉलिश करना है, रिफाइंड करना है, वरना हम एडवर्टाइजिंग में कैसे बढ़ेंगे। अगर आप मुझे एक छोटा सा परमिशन दें तो मैं कॉफ़ी का एक सिप ले लूं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो काफ़ी बड़ी कमाल की बनी है जी, बड़ा काफ़ी की तो बात ही और होती है संडे के मॉर्निंग के दिन। तो जब हम एडवर्टाइजिंग में गए तो दो तरह के लोग मिले, एक तो जो कुछ ज़्यादा ही रिफाइंड थे, उनका तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते थे। वो तो ऐसे अंग्रेज़ी बोलते थे कि यू नो आई होप यू मेड अ सर्टन प्लान एंड यू आर सॉर्ट ऑफ गोइंग फॉरवर्ड ऑन दैट प्लान, एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्लान शुड बी नोन टू एवरी वन इन द टीम, एंड देयर फॉर यू हैव टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस दैट एवरीबडी यू नो सॉर्ट ऑफ नोज अबाउट इट। और कभी गलती से आप उनको टोक दो तो बोलते थे कि डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। तो उस तरह के लोग भी थे। अभी ऐसे लोगों का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, हमें तो इतनी अंग्रेज़ी आती नहीं। तो हम अपने देसी भाइयों के साथ ही रहते थे। तो वहाँ पे एक लेडी थी, मतलब क्या बोलेंगे, महिला महिला थी, कन्या नहीं बोल सकते, कन्या अजीब लगता है। वो महिला थी, वो उसका बोलने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो स्टूपिड नहीं बोलती थी, स्ट्यूपिड स्ट्यूपिड नहीं बोलती थी, या स्टूपिड नहीं बोलती थी, स्टूपिड बोलती थी। बड़े ना स्टूपिड लोग हैं, इनसे कुछ होता तो है नहीं, बड़ी स्टूपिड है। और स्टूपिड के साथ वो एक मेंटल भी इस्तेमाल करती थी, बड़े मेंटल हैं, बड़े स्टूपिड हैं, मेंटल हैं सारे, इनके कुछ बस का तो है नहीं, कुछ करते वरते तो है नहीं। मतलब वो खुद कुछ नहीं करती थी वैसे, लेकिन वो हर एक पर ये कहती थी कि वो स्टूपिड है और मेंटल है और कुछ करता वरता नहीं है। तो वहीं पे हमें जब दो तीन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बदल ली, तो वहाँ पे हमारा मुकाबला फिर एक, मतलब टकराना एक फिर एक हमारे पंजाबी प्रोडक्शन मैनेजर से हुआ। वो अगेन कुछ करता वरता नहीं था, लेकिन वो एकदम टिक्स था, हाँ जी ये करा दो, करा दे आगे, कल हो जाएगा, कोई गाल नहीं, और कोई गाल नहीं काके, हो जाएगा तेरा काम, तू टेंशन ना ले। बस वो ऐसे ही बोलते रहते थे। और टेंशन तो खैर एडवर्टाइजिंग की हवा में ही होती थी, तो टेंशन तो होनी होती थी। तो ये अब जो दिल्ली है, अब तो काफ़ी बदल गई है। अब जो पंजाबी पना है वो एक तरह से काफ़ी कम हो गया है, अब थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो गया है। एडवर्टाइजिंग में तो हमने उसी समय, हमारे जो बंगाली भाई हैं उनसे हमारी मुलाकात हो गई थी। तो ये जो वर्ड है दादा या दा, ये हर एक को बोलते थे, सुजीत दादा, अभिजीत दादा, और ये दादा लगा के बोलते थे। तो बाद में समझ में आया कि दादा बड़े भाई का एक वो होता है, यू नो एक टर्म ऑफ अफेक्शन है। ग्रैंडफादर नहीं बोलते थे ऐसे, वो दादा बोलते थे। और वो चाय खाबो और बाड़ी जाबी, ऐसे कुछ हमें भी समझ में आने लग गया था कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। और बड़ी बार जो हमारे बंगाली भाई थे, कुछ थोड़े से पैरोकियल थे, तो आपस में जानबूझ के बंगाली में बात करते थे। लेकिन कुछ बिल्कुल हमारे नॉन पैरोकियल, हमारी तरह ही दिल्ली के लोग थे, जो थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट था कि आप क्या फीस खाता हो, वो ऐसे बोलते थे। लेकिन नॉर्मली वो अपना पैरोकियलिज्म बिल्कुल उसमें रखते थे। और वहाँ पे फिर हमारे मलयाली भाई भी थे, जो कि बहुत सारे क्लर्क्स होते थे, जो सिंबली टॉकिंग, और वो कहते थे आर यू टेकिंग दिस प्रिकॉशन, ऐसे करके बोलते थे। तो ये भी तरीका था उसमें। तो कितने सारे बोलने के तरीके हैं, यू नो हमने तो बड़ी कोशिश की कि हम जो सार है, यानी कि जो निचोड़ है, यानी कि जो एक जिस्त है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हम वो निकाल लें और हम उसको हम आत्मसात कर लें, यानी कि उसको हम इंटीग्रेट कर लें। लेकिन आज तक हम कर नहीं पाए। चलो कोशिश जारी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे YouTube चैनल, जिसका मुझे ही पता नहीं था, उसके 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।